हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं भी उठ चुकी हूँ एंड मैंने कल में बेडशीट सर्फ में भिगो के रखा था, तो आज अभी मैंने वॉश किया है थोड़ी देर पहले। तो अभी मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चिकन सैंडविच, और सैंडविच का जो रेसिपी है बहुत सिंपल एंड ईजी है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग भी बना सकें। एंड आज का प्लानिंग कुछ नहीं है, आज जस्ट प्लानिंग तो कुछ नहीं है, जस्ट अभी तो ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर मुझे घर को पोछा मारना है, दैट्स ऑल अभी तक का प्लानिंग। और आगे कुछ होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। एंड हम लोग आज भी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। सर गाइस, कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि चिल्ली को हम ऑयल पे रखेंगे लॉन्ग लास्टिंग के लिए, तो आपको इस तरह से ऑयल में रखना है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया टेस्ट के लिए, जस्ट प्योर मस्टर्ड ऑयल गरम करके ठंडा होने के बाद वो चिल्ली को और ऑयल को साथ में ऐसे बोतल में, आपको बस अगर स्टील का कंटेनर सॉरी ग्लास का कंटेनर तो बहुत अच्छा है, तो आप इसको रोज़ धूप में देना है। तो क्या होता है कि ऑयल जो है बहुत स्पाइसी हो जाता है, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो अच्छा है। एंड ये चिल्ली आपको लॉस भी नहीं करते, दिस इज़ गुड फॉर डाइजेशन। सो गाइस, चिकन सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन को कुछ मसाला से मैरिनेट, थोड़ा सा मसाला से मैरिनेट करके बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद उसको मैंने कट कर लिया है ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। थोड़ा पानी में बॉईल करना है, पानी को एकदम ड्राई कर देना है। और मैंने यहाँ पे ऑनियन भी कट कर लिया है, तो मैं चिकन और ऑनियन को यहाँ पे मिक्स कर दिया। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा स्पाइसेस, सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ओरिगैनो, पास्ता सीजनिंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल, नहीं डालने से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पास्ता है इसलिए मैंने डाल दिया। गार्लिक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो ये भी नहीं डालने से भी चलेगा। सो अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मेयोनेज़, अगर आप चाहते तो कर्ड भी डाल सकते, तो कर्ड नहीं था तो मैंने सिर्फ मेयोनेज़ डाला है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद ये इस तरह से दिखता है। सो अभी मैं अभी बहुत सिंपल है, जस्ट ब्रेड में हमारे पास ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड में जो आपका फिलिंग है वो डाल के आप उसको ग्रिल करना है। आप चाहे तो पैन में भी बना सकते, बहुत हेल्दी है, रिच ऑफ प्रोटीन, आप ज़रूर ट्राई कर सकते। सो चिकन सैंडविच रेडी है, आप इसको इससे कट करके आप खा सकते हैं, बहुत यम्मी होता है एंड बहुत टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई करना है इसको। एंड अभी मैं सैंडविच के साथ मैंने चाय भी बनाया, तो चाय और सैंडविच ये मेरा ब्रेकफास्ट है, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अभी मैं घर को ब्रूम करके उसके बाद मैं उसको घर को पोछूंगी, क्योंकि वीकली एक बार मैं घर पोछती हूँ, सैटरडे नहीं तो संडे, क्योंकि वही दो दिन मेरा छुट्टी होता है। तो अभी मैं घर पहुँच के नहा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मैं बहुत पहले नहा चुकी थी, उसके बाद मैं ऐसे लेटी हुई थी, बहुत ठंड लग रहा है, आराम कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद लंच भी रेडी नहीं हुआ, बहुत लेजी लग रहा है। तो लंच से पहले हस्बैंड ने एक प्लेट बिरयानी लाया, तो हम लोग शेयर करके खा रहे, तो लंच को दे रहे इसलिए अभी हम थोड़ा सा बिरयानी खा रहे एंड कबाब। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से हमने लंच भी किया है। तो आज लंच में है दाल, चना दाल, राइस एंड फिश फ्राई। ये फिश फ्राई कोकोनट ऑयल से बनाया है एंड लेमन, असम का लेमन।
एंड ये सब भाई ने बनाया, मैंने आज कुछ नहीं बनाया। हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक के लिए। सो आज कुछ ज़्यादा स्टेप्स कवर करने का इरादा है। सो आज हम अलग एरिया में जा रहे हैं, वो है सृष्टि विलेज समथिंग, उस एरिया में। सो आप लोग भी बने रहिए वीडियो में। एंड अभी बज रहा है 4:12, 4 बजे, तो आज हम जल्दी निकले ताकि शाम ना हो जाए। सो आप लोग बने रहिए। एरिया से बहुत सारा मेमोरीज जुड़ा है हमारा। So we have almost crossed 5,000 steps, Muli. We have been here. मुझे ऐसे फ्रेश चीज़ें बहुत पसंद है, सीधा अच्छे से तोड़ के खा के। आई रियली लाइक। Oh.
मंजिल आगे है। और 10,000 स्टेप्स करना है। बहुत अजीब जगह है, मतलब सुंदर जगह है, बहुत गांव ग्रीनरी से भरा है। यहाँ पे देखिए सुंदर है, पूरा गांव से भरा है, कभी नहीं आया ऐसी जगह। ये है पूरा पेड़, पूरा टमाटर का, और ये है मेन रोड, और ये हम लोग। He is tired. One is gone crazy. कितना स्टेप्स है, जस्ट चेक द स्टेप्स, चेक द स्टेप्स, कितना बाकी है, 10,600 कल जितना हुआ था घर तक, अभी और 10,000 आपको ना। हम लोग निकले थे 4 बजे, अभी हो रहा है 6:15, अभी भी 6-7 किलोमीटर्स बाकी है घर पहुंचने के लिए। एंड मेरा लेग बहुत पेन हो रहा है, मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है, टूटा। अभी टाइम हो गया 6:27 और यहाँ से अभी लगभग 6 किलोमीटर है बर्तुर पहुँचने के लिए। और यहाँ पे पूरा रोशनी दिख रहा है, देखने में रोशनी दिख रहा है कैमरा में, लेकिन काफ़ी अंधेरा होने वाला है। और कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? बहुत अच्छा। कुछ दर्द? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है अभी तक, चलने भी लाइक है। देखिए कितना दूर वॉक किया अभी तक, गाड़ी आ रहा है साइड हो जा। ये जो आपको दिखाई दे रही है, पूरा जो बॉयलर होता है चिकन उसका फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है। फिर हम घर जाएंगे, घर बस सामने ही है, रोड पूरा खाली है।
मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। ये भी लग रहा है मेरे गला में, थोड़ा छूट के जा रहा है अंदर। चाय का शॉप चाय का शॉप जरूर आना, बरतूर में नया खुला है। मत इतना ज़्यादा स्टेप्स मैंने कभी नहीं किया। आई एम सो टायर्ड नाउ, सो अभी फ्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सो आज मेरा डिनर में मैं सिर्फ फिश खाऊंगी, एक फिश, दैट्स ऑल। मुझे खाने मन नहीं है, पेट फुल है, पर एक फिश खा लूंगी। सो गाइस आज के वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आज का दिन बहुत टायरिंग था, बहुत वर्क किया है, पूरा लेग पेन हो रहा है। सो अभी रेस्ट करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा कल तक, कल फिर से जिम जाना है। सो कल फिर से मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलती हूँ फिर से कल। सो टिल देन, बाय बाय।